या तो ये फिर वहाँ पे गिरेगा या तो अंदर गिरेगा। मैं पता है यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको कहते हैं रेफ्रिजरेटर असली वाला। मुझे ये दिखाई दिया। What's up everybody, welcome to another blog। और बीजेपी के जीतने की खुशी में मैंने ये ऑरेंज कलर का बतख के मुंह जैसा मास्क पहना हुआ है। क्वैक 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 क्वैक। बतख ही तो बोला। क्या बोला? बतख ही तो बोला। नहीं, बतख बोला। मेरे को वीडियो में चेक करना पड़ेगा। मैंने बकत बोल क्या बतख बोला। वैसे मैंने बतख बोला है। मेरे दोनों मास्क हो चुके हैं, मास्क मेरे हमेशा खोते रहते हैं और ये मिल गया मेरे को बतख की शक्ल जैसा मास्क और मैंने ये पहन लिया। क्वैक क्वैक। सरप्राइज हो जाओगे आप। हेलमेट तो स्कूटी के अंदर ही होगा। पानी की बोतल ले लेते हैं से। पानी की बोतल देना चाची कोई। हीरो 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 उसके कॉल समझदार है ना, उसे पता है सुधांशु गधे के सामने हुआ भी। हीरो हीरो ही तो है। ये जीरो ये जीरो ये हीरो ये शीरो सिंचन का डॉगी शीरो। ओ माय गॉड। चल अच्छा हीरो को अंदर छोड़ दे, चलते सुधांशु अपन दोनों। अरे वाह रेड रेड गाल। बाय अपल। गेट भी बंद कर ला। बाय। पकड़ तो पाए स्कूटी। ये शीशा अंदर ही अंदर। घर में हमने किसी को बताया नहीं है कि हम लोग नीर वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जाने में हमें पूरा का पूरा एक घंटा लगने वाला देखने, क्योंकि वो जगह पता बहुत दूर है। वहाँ तो पहुँचना ही पहुँचना है, लेकिन उसके बाद पता है वहाँ पे जो ट्रैकिंग करनी पड़ती है ना वो कुछ ज्यादा ही ऊपर है। तो वहाँ पे हमारी जान निकलने वाली है। और वहाँ से जब हम रिटर्न आएंगे ना तब हम जाएंगे पहले लक्ष्मण झूला, फिर जाएंगे राम झूला और देन उसके बाद अब देखते कितनी देर में। निकालियो सीसा इसका सुधांशु। अंकल जी ये सीसा लगवाना है इसका। ये भी था अंकल ये आगे का मडगार्ड, ये ना नीचे हो रखा है, अभी तो थोड़ा ऊपर है, बस ये टाइट हो जाएगा तो हो जाएगा काम फिर इसका। ठीक है, एक बार ये चेक कर लो अंकल। हाँ ये तो ढीला हो रखा है। पहले ऐसे ही थे पता है, ऐसे लंबा नहीं करा था उस समय। पता है पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। फाइनली जैसे तैसे पता हम लोग ट्रैफिक से बाहर निकले और फिलहाल हम पता यहाँ रोड पे हैं और यहाँ कोई भी बंदा कहीं पे भी अपनी गाड़ी और बाइक घुसा रहा है। तो भाई हम स्लो स्पीड में जा रहे हैं जबकि इस रोड पे तो बढ़िया अच्छी खासी 60-70 की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आज कुछ ज्यादा रश है। समर्स आ गए हैं इसी के चक्कर में पता यहाँ पे रश ज्यादा बढ़ गया है। हमें और भी आगे जाना है, हमें पता ऊपर जाना है पहाड़ियों में। ऊपर दिख रहा है पेट्रोल खत्म हो गया नहीं होगा पेट्रोल बहुत। ऋषिकेश में इतने लकी है भाई, ऋषिकेश में मैंने बहुत कंटेंट निकाला। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो विदाउट टिकट आया था और इस बार मैं टिकट लेके जा रहा हूँ। टिकट वहाँ पीछे की साइड मिलती है नीचे जाके। मिल गई। पर अंकल हम तो दो हैं, उन्होंने एक ही का नाम लिखा। हाँ यहाँ पे है दो। अच्छा अंकल ने हमारा सही जुगाड़ करा दिया भाई, पहचान के फायदे। वैसे आधे से ज्यादा लोग नहाने के लिए मुझे लग रहा है जो नहाए नहीं हुए सालों से। देखो बड़ी देखो ओनली कार्स खड़ी है यहाँ पे, स्कूटी यहाँ पे खड़ी। अब यहाँ से कहाँ जाना है? सीधा ऊपर ऊपर। अरे भाई मरना है यहाँ से ऊपर जाके। बैग उतार के मुझे दे दे, सब कुछ अंदर रख दे और ये एकदम सही जगह खड़ी है, कोई यहाँ पे नहीं आएगा। परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। हल्की सी और आगे कर दियो चाहे तो, मुझे लगा नहीं था यहाँ पे इतनी भीड़ हो सकती है। और यहाँ पता उम्मीद से ज्यादा भीड़ है। समर्स आगे और समर्स आते के साथ ही यहाँ पे इतने सारे लोग। हाँ बस यही खड़ी कर दे, चले यहाँ से ऊपर। ये पानी पता एकदम टॉप पे से आ रहा है। फाइनली पता हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की साइड और यहाँ पे फील आने वाला है। सुधांशु तू पहली बार जा रहा है ना यहाँ पर, बहुत ऊंची ट्रैकिंग करनी पड़ेगी हमें। हैंडल तो जा भक्के जा करके। यहाँ तुम लोग खुद ही देख लो यहाँ रश कितना है। आगे तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पीछे तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। चल कैमरा निकाल लेते हैं, इसे टांग चैन लगा चैन। वैसे हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट फुल है, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। हम पता है पीक पे जाएंगे एकदम टॉप पे, यहाँ पे सुपर क्राउड आ रखा है सही में। यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है। मैंने सही सुना था, बंदे सही में कह रहे थे कि यहाँ पानी बहुत गंदा हो जाता है जब यहाँ क्राउड होता है। तो सही में पता है यहाँ ऊपर आके जान निकल गई है। एक्चुअली मेरे पास एक ब्लैंकेट है मेरा इतना भारी और ऊपर से इसके अंदर कुछ ज्यादा ही कपड़े हैं। देखो अभी आ गए तो तुम लोग आ गए, लेकिन पता है अप्रैल मई जून में सोच के भी मत आना, इससे भी दुगनी भीड़ और इससे भी दुगनी गर्मी होगी वहाँ पे।
मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम कोई मंदिर जा रहे हैं, मंदिर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं इतना ऊपर। इस बंदे की जान निकल चुकी है, इसकी शक्ल देखो एक बार, खत्म हो चुका आज ये। फिलहाल हम बता यहाँ पे बैठ रहे हैं, मुझे पता नहीं था हम लोग पता यहाँ इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 4:00 पे वहाँ पे होंगे, लक्ष्मण झूला फिर सीधा राम झूला, लक्ष्मण झूला राम झूला निपटा के और उसके बाद सीधा घर जाना है। राफ्टिंग करने का तो मूड ही नहीं कर रहा, टाइम नहीं है ना इसलिए। मैं सही टाइम पे आया था भाई, ना ही तो यहाँ पे लोग थे ना ही यहाँ भीड़ थी, ऐसे लग रहा था मैं अकेला हूँ पूरे जंगल में। आगे चलते हैं, पहुँचने वाले हैं, देख वहीं जाना है मैं ऊपर, इसके ऊपर भी है और वहाँ पे ना छोटा सा ब्रिज है, वो वाला व्यू ज्यादा अच्छा है। वैसे पता है यहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं है और हम यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर जाना है, शायद जहाँ पे हमें जाना है। पहुंचे सुधांशु, चला जा फाइनली। अब यहाँ होंगे थोड़े भीड़ के दर्शन, गलती कर दी आके, मुझे लगा नहीं था इतनी भीड़ हो सकती है। यहाँ लोगों ने पानी का लेवल बढ़ा दिया है टूट टूट के, अब वहाँ से देखो पानी ज्यादा तेज आ भी नहीं रहा, कुछ ज्यादा ही लोग नहीं है यहाँ पे, सीन हो गया। तो नहीं भाई मेरे बस की नहीं है ऊपर जाना, बैठते हैं यहाँ पे चेयर पे बैठ जा, बस मैं गिर ना जाऊं नीचे, फोटोज क्लिक करानी है यहाँ पे यहीं पे। समय इतना रश है, इतने रश में मैं कैसे फोटोज क्लिक करवाऊंगा, बैकग्राउंड में लोग आते रहेंगे बार बार। सुधांशु नीचे वाली जगह थी खाली, वहाँ चले नीचे, देखा नहीं था तूने एक और था, थोड़ी देर बैठते फिर चलेंगे ठीक है। मेरे पता क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे ऊपर जाना है इस जगह का टॉप पे, मैं देखना चाहता हूँ ये पानी आता कहाँ से। यही है टॉप, वैसे तो देख बना तो यही रखा है टॉप, मेरे को भी पता है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये पानी जहाँ से आ रहा है मेरे को वहाँ पे जाना है। वैसे मुझे पता वो जगह ज्यादा दूर तो होगी नहीं, कम से कम 1 किलोमीटर शायद जाना पड़ेगा। ना ना वो यही आने की बात कर रहा था, मैं यहाँ से ऊपर जाना चाहता हूँ बस एक बार। अभी बैग को पैक करके रख रहे हैं हम यही, बस कोई टपा ना ले, और जैकेट मैंने निकाल लिया, कैमरा यहाँ पे ऑलरेडी है। अब तुम समझ सकते हो कि मैं कितना बड़ा सनकी आदमी हूँ, सिर्फ एक फोटोशूट के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन इस बार आने का पर्पज सिर्फ मेरा यही था पिक्चर्स क्लिक करवाना। नहाने का तो तुम्हें पता है भाई, जाने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है। इस बंदे की हालत एकदम खराब हो चुकी है, आगे गलती से भी नहीं आने वाला। अगली बार पता है कभी आएंगे तो तब आएंगे सुबह सुबह, दोपहर को नहीं आना यहाँ। यहाँ पे ठीक है सुधांशु, एक दो यहाँ पे क्लिक करते हैं, बाकी वहाँ पे करेंगे ठीक है। यहाँ लोग नहीं दिखा दे रहे, सारे के सारे बंदे उस साइड है। अब यहाँ से जा रहे हैं हम ब्रिज की तरफ, और मेरा जाने का वाकई में मूड नहीं है यार, कुछ ज्यादा ही भीड़ है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पता पिक्चर्स ब्लैक आ रही है। ऊपर चले थोड़ा सा, जाने तो देते हैं, अभी बंदे गए तो हैं, चल ऊपर चलते हैं थोड़ा, चल चले ऊपर। यहाँ पता मेरे को सीन ऑलमोस्ट खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा भीड़ है, पिक्चर सही से क्लिक हो नहीं पा रही यहाँ पर, और थोड़ा पता है कैमरे की सेटिंग भी सही से नहीं कर रखी हम लोगों ने। मैं श्योर हूँ पता है ऊपर की साइड कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें, वहाँ पे जाना है। आ जा, मैं ऊपर आना चाहता था, मैं ऊपर आया और मुझे ये दिखाई दिया। हम लोग पता है यहाँ ऊपर तक तो आए, लेकिन एक सीन हो गया, व्यू तो काफी अमेजिंग आ रहा है बात मेरे को पता है, लेकिन ऊपर पता है कैंप्स के अलावा कुछ नहीं है, और जो वाटरफॉल है ना सिर्फ वो भी पता है नीचे तक ही है जहाँ पे हम रुके थे वहीं पे। अब यहाँ से जा रहे हम नीचे, क्योंकि उसके नीचे जो एक और वाटरफॉल था ना वो वाले खाली हो रखा था, ऊपर वाले में तो तुम्हें पता कितनी भीड़ लगी है, लेकिन नीचे वाला खाली, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। फिर यहाँ से जाएंगे सीधा लक्ष्मण झूला, फिर राम झूला, सीधा घर उसके बाद। ये बंदा पता थोड़ी देर पहले वहाँ पे फिसला था नीचे, और इस बंदे की हालत खराब हो रही है वहाँ पे जाने में। तेज मत चलियो, धीरे धीरे चलियो, क्योंकि इसकी शूज की क्वालिटी बहुत बेकार है, और मेरे शूज की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया है। नीचे झुक के चल, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था ना अपने वो स्पार्क वाले शूज पहन के, तो मैं भी फिसला था, और देख मैं अभी भी फिसला हूँ यहाँ पे, लेकिन शूज की क्वालिटी मेरी अच्छी है। हाँ फिसला ना यहाँ पे, मिट्टी बहुत है, आराम से चल एकदम आराम से। हाँ बस दीवार पकड़ के चल, दीवार पकड़ के। यार यहाँ मेरे को डर लग रहा है कि मैं ना फिसल जाऊँ नीचे, इतनी भीड़ है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं, ये परफेक्ट जगह और ये खाली जगह है, चल यहीं पे चल। वो नीचे पहुंच गया था अभी मैं, ये गहरा तो लग रहा है लेकिन इतना नहीं है, और यहाँ पे पता नहीं बंद क्यों कर रखा है, अलग ही सीन है यहाँ पे। सिलेंडर देखो कैसे लेटा रखा है, देखो दो रास्ते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्राइवेट है यहाँ पे भैया, कहीं लिखा तो नहीं है बाहर। यार भैया ये तो ऑन द स्पॉट अभी आपने प्राइवेट बनाया है इसे, है ना, सच बताओ पहले प्राइवेट तो नहीं है ना। हाँ वैसे तो पता है खुद बना रखते हैं, मुझे लगा कि बुकिंग करनी पड़ती है पहले। ना ना वैसा नहीं है सिस्टम, खुद बना रखा है, मतलब जो यहाँ पे आएगा नाएगा मैगी मुझे यहीं से खाएगा, मैं बना देता हूँ। कोई नहीं, मैगी तो बना दो आप एक। आप कहाँ से हो भैया, आप कहाँ से हो? पहाड़ी पंजाबी। ओके मैं यहाँ से नीचे गिरा ना विदाउट टिकट जाऊंगा सीधा यहाँ पानी के अंदर। वैसे पता मैं वहाँ पे जाके एक पिक्चर क्लिक कराना चाहता हूँ, और ये अंदर जो गुफा जा रहे हैं ना ये सुपर लग रही है। पिक्चर्स बताए यहाँ पे, हाँ ये अजीब सी है पिक्चर्स बताए यहाँ पे, बड़ी कूल आ रही है और फील आ रहा है यहाँ पे। फिलहाल तो मैं आगे की तरफ जाने वाला हूँ। सुधांशु मैं यहाँ से जा रहा हूँ ठीक है, ऊपर यही रहियो, मैं पता है यहाँ पे जा रहा हूँ। एंटेंस पे हाउ वी डू,
जिस जगह मैं हूँ ना यहाँ पे बस लड़कियाँ कुछ ज्यादा ही हैं यार, ये पंगा है। यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, वैसे तो मैं जा चुका, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सुधांशु को भेजूँ और फिर मैं वहाँ पे जाऊँ, फिर सुधांशु यहाँ से पिक्चर्स क्लिक करेगा, लेकिन पंगा ये है या तो ये फिर वहाँ पे गिरेगा या तो अंदर गिरेगा, और ये जहाँ पे भी गिरेगा वहीं पे नुकसान होगा। भैया मैगी बनी यहाँ पे कब से? सही जगह है, हाँ पूरी देरी है, ठीक है, क्योंकि गर्मी तो लगी रही है, तेरे को और गर्मी लगेगी। मैं तो जानबूझ के नहीं गा रहा भाई, पहले गर्म हो रहा है और गर्म हो जाऊंगा मैं। करवालू फॉरनर से सब्सक्राइब, यहाँ मैंने इंडियनों से सब्सक्राइब नहीं कराया, मैं क्या फॉरनर से सब्सक्राइब करवाऊंगा। वो भैया कहाँ जा रहे हैं? वाह नेचुरल रेफ्रिजरेटर, वहाँ पे पानी में भैया ने पता है सारी के सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई है और ये वहीं पे ठंडा हो रहा है, और ये दिखने में तो अच्छी लग रही है और खाने में भी वहाँ के टेस्टी होगी। भैया एक सॉफ्ट ड्रिंक दे दोगे? ये सॉफ्ट ड्रिंक लेमन वाली या कोई सी भी हो। हाँ हाँ बाद में वाली। इसको कहते हैं रेफ्रिजरेटर असली वाला। एक कोका कोला, एक मैगी, ठीक है। मैं जा रहा हूँ पानी के बीच। तुम ऐसे कह रहे हो रोड से उठाना है। मुझे लगा अंकल ने कहा चलो बेबी लेट्स डू चिल, ऐसे किसी के साथ चलने वाला नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ पानी के बीच में, यहाँ से बस मैं नीचे ना गिर जाऊँ, पता है मेरा पूरा का पूरा पैंट गीला हो जाएगा। मैं ऊपर कर लेता हूँ यार, क्यों रिस्क ले रहा हूँ फालतू फंड पे। Make you cry, and I don't wanna fight with you.